मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में दो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद का मामला सामने आया है। विवाद में दोनों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर सरेआम चप्पलें बरसाई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला थाना नसरुल्ला जनपद पंचायत परिसर का है, जहां महिला बाल विकास की आयोजित बैठक के बाद किसी बात को लेकर दो महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। आपको बता दें, परियोजना अधिकारी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया। दोनों ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सुनीता पवार और सुनीता यादव ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाओं के बीच विवाद परियोजना अधिकारी के तबादले की बात बताई जा रही है। बताया जा रहा है, बीते दिनों परियोजना अधिकारी गिरीश चौहान का तबादला आदेश जारी हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की ब्लॉक अध्यक्ष सुनीता पवार ने परियोजना अधिकारी पर अशोभनीय टिप्पणी की शिकायत की थी और शिकायत पर परियोजना अधिकारी का शेड्यूल तबादला हो गया था। इसी बात को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दो गुटों में बंट गई थी। एक गुट ने तबादला कराया तो वहीं दूसरे गुट ने परियोजना अधिकारी के पक्ष में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर बताया कि जो आरोप अधिकारी पर लगे हैं वे बुनियाद हैं और सूची समझी साजिश है। एक गुट का नेतृत्व सुनीता पवार कर रही थी तो दूसरे गुट का नेतृत्व सुनीता यादव कर रही थी, तभी से दोनों के बीच रंजिश चली आ रही है। आज हमारी मीटिंग थी ब्लॉक में, जनपद पंचायत में, तो उसमें है ना, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं मेरे पति के साथ गाड़ी पे बैठी थी और मैं आ रही थी। सुशीला यादव उधर से आई और बोले कि तू गाली देने लगी मुझे, और बोले तू मेरे बारे में हर कुछ बोलती है, और उसने चप्पल उठा के और मेरे सुशीला यादव और ममता प्रजापति ने पकड़ लिया था मारने के लिए, तो उन्होंने भी FIR करवाई। थाना नसरुल्ला गंज में भी शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जनपद कार्यालय के बाहर कुछ आशा कार्यकर्ता भी आपस में विवाद कर लिया था, तो ये अपनी शिकायत लेकर थाने आई थी, जिसके संदर्भ में अपराध कायम कर लिए गए, तो जांच की जाए।